हाँ जी, क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 द फोर्थ क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन के कितने साइड होंगे? हैव ए फीच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, 165। सम ऑफ कुछ दिया कितने भजाव होंगे जे हरेक अंदरूनी कोण द माप 165। ठीक है, अंदरूनी कोण दिता है 165 इंटी। सॉल्यूशन, इंटीरियर एंगल इक्वल 165, सो एक्सटीरियर एंगल माइनस करना इंटीरियर, तो मैं सीधा ले लेनी है। दीज एंगल्स आर लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर होंगे। हम कि मैं होंगे मैं तो एक बार दस दी। अब फर्स्ट ही डायग्राम की थी, फर्स्ट ही डायग्राम सी बनानी नहीं है तो सिर्फ समझनी है। ठीक है, ये हो गया इंटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर, हो गया लीनियर पेयर। ये इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल लीनियर, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल 165 है, तो आप एक्सटीरियर फाइंड करना, तो देखना भी कि साइड हो गई है। तो मैं इतने लिख लिया इंटीरियर एंगल 165, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165। इतने तुम लिख लेना पंजाबी मीडियम अंदरूनी कोण, इतने तुम लिख लेना बाहरी कोण। दीज एंगल्स आर लीनियर पेयर, तो मैं इतने पंजाबी च लिख देनी हाँ, एक कोण रेखी जोड़ा होंगे। माइनस कर देंगे 15 डिग्री। हम आप दे दें भी हाउ मैनी साइड्स, जो ये साइड्स कितनी होंगे, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल ना लिख रहे हो, एक्सटीरियर एंगल ना लिख। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 15, 15 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 24 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਦੀਗਾ 24 ਦੀ ਸਾਈਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ 24। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਓ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, फिफ्थ क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट बोल देनी है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। ये एक्सटीरियर एंगल है जो वो 22 हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट की मैं लिख दी फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल
ਸਾਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਪੋਨ 22 360 ਅਪੋਨ 22 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 180 upon 11 in a fraction p upon q so it is not possible to have regular polygon exterior measure exterior angle 22 जब भी मैंने लिख लूं ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ 180 ਵਟਾ 11 ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਇਹ ਸੀਗਾ ਏ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਐਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 22 ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟ Interior angle 22 अंदरूनी कोण 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਖੀ ਜੋੜਾ ਬਾਰੀ ਕੋਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਚੋਂ 8 7 ਚੋਂ 5 158 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਕੋਣ 158 360 ओवर 158 कटिंग करांगे ये भी फ्रैक्शन दे विच आ गया वन एटी दे विचों 22 माइनस कीता 158 ते 150 नाल कटिंग नहीं होया ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗੋਨ ਆਫ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 22 ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਇਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਕਿਉਂ
होल नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। एक तो लैक वन तो लैके वन टू थ्री फोर फाइव इदा होनी चाहिए ने, तो वो इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल होगा। इफ इन फ्रैक्शन दैन इट इज नॉट पॉसिबल, तो यह संभव नहीं है, ठीक है। तो यह फिफ्थ के दोनों पार्ट। सो नाउ सिक्स क्वेश्चन, सिक्स का ए पार्ट। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम, तो मेरी स्टेटमेंट लिख दी है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल for a regular polygon or polygon y, what is the minimum interior angle? कट तो कट कितना होगा minimum angle? ठीक है, अब तो मैं लिख देती हूँ पंजाबी मीडियम से बोलूँ sum of which क्यों होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल पूछा है अंदर, देखो सब तो मिनिमम साइड्स ट्राइंगल दी होंगी ने, थ्री साइड्स ट्राइंगल है, मिनिमम साइड्स थ्री। इफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैन ईच एंगल 60 डिग्री, थ्री साइड ने साइड इक्वल ने, तो मैं इतने लिख दिनी हूँ सोल्यूशन मिनिमम साइज ऑफ थ्री, ठीक है। त्रिकोण दिया घट तो घट तीन भुजा होंगे, मिनिमम साइज ऑफ थ्री। सो लेट ईच एंगल इज इक्वल टू एक्स, x plus x plus x is equal to 180 angles are perfect, three side ne to three angle bolungi, theek hai। interior angle puchha hua hai to interior angle bolungi, 3x equal 180 upon x, oh sorry x equal 180 upon 3। so each angle kitna hoga, एक्स इज इक्वल टू 60। हम पंजाबी में सॉल्यूशन पंजाबी में सम ऑफ द पंजाबी में लिख लेना, ट्राइंगल है मिनिमम साइड की जगह थे त्रिकोण दिया कट तो कट तीन भुजावां। सो मान लो हरेक कोण इक्वल एक्स, ठीक है, तो
three triangle and three angle like 60 degree. So each angle 60. It is six the A part. B part. B part which ke what is the maximum? Jithe interior angle no minimum likha si, uthe exterior angle no maximum likha hoya hai. Theek hai? Te baki same hai, possible for a regular polygon. We kinna ho sakda hai. Te je kinna ho sakda 60 degree, to aap exterior se dekh lenge na. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 182 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦ ਮੇਅਰ ਆਫ the minimum measure of interior angle is 60 degree one day to find theta e de vich ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦਾ ਕੱਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਮਾਪ 60 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਈਚ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਸੋ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਮੈਕਸਿਮਮ exterior angle 180 minus 60 clear rana linear pair adhi a linear pair j find karangi linear pair a find karangi linear pair baat to baat body on the mark rather 180 minus 60 naal ikrana likhi chod to 180 de vichon 60 kar dange minus 120 jada answer aayega 120 theek hai the 8th class j hun ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਫਸਟ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਸਿਕਸ ਸੋ ਨੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਇਨ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਦੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਠੀਕ ਹੈ